Recording in progress. गुड मॉर्निंग बेटा, देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ डायोड। लास्ट क्लास में हमने दो डायोड पढ़ी थी, जेनर डायोड और टनल डायोड। नेक्स्ट इज आर वेक्टर डायोड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर डायोड का सिंबल क्या होता है? This is a symbol of our vector diode. ठीक है, वेक्टर डायोड को वेरिएबल कैपेसिटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी इस वेक्टर डायोड को हम लोग रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, देन इट वर्क एज अ वेरिएबल कैपेसिटर। कैपेसिटर तो पता है ना बेटा क्या होता है? दिस इज आर कैपेसिटर एंड दिस इज आर वेरिएबल कैपेसिटर एंड दिस आर वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर क्या होता है? जिसकी वैल्यू को हम लोग वेरी कर सकते हैं। कैपेसिटर का काम क्या होता है? उसको स्टोर करना ना, उसकी एनर्जी को। कैपेसिटर का काम क्या होता है? स्टोर द एनर्जी। तो वेरिएबल कैपेसिटर क्या करेगा, उसको हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब होता है, जैसे इसकी यूनिट है सिंपल 4 फैराडे कैपेसिटर, तो ये 4 ही एनर्जी स्टोर कर सकता है। यहाँ पे हमने दे दिया 2 to 8। तो वेरिएबल कैपेसिटर क्या होता है? जो अपनी रेंज को वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, तो ये कहता है जो हमारी वेक्टर डायोड होती है वो रिवर्स बायस में एज अ वेरिएबल कैपेसिटर की तरह काम करना स्टार्ट कर देती है। तो अब जो वेक्टर डायोड होता है उसको हम लोग वेरी कैप डायोड या फिर ट्यूनिंग डायोड भी कहते हैं। ठीक है,
तो जब पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो एक्ट करना स्टार्ट कर देता है कैसे, वेरिएबल कैपेसिटर की तरह रिवर्स बायस में, तो उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर डायोड। ठीक है बच्चों, समझ में आया? वेक्टर डायोड क्या होता है, जब हमारी डायोड रिवर्स बायस में एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह काम करना स्टार्ट कर देती है उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर डायोड। अब हम क्या कर सकते हैं, जहां पे भी हमें वेरिएबल कैपेसिटर लगाना होता है हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, इस डायोड के साथ। ठीक है, अच्छा अब करेंगे क्यों, जब वेरिएबल कैपेसिटर से ये हमारा काम चल सकता है तो हम इसे वेक्टर डायोड से रिप्लेस करेंगे क्यों, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे हमें एक एडवांटेज मिलता है। क्या एडवांटेज मिलता है, कि जो वेक्टर डायोड होते हैं उनको हम लोग चेंज कर सकते हैं कैसे, बाय चेंजिंग द वोल्टेज ऑफ द टर्मिनल। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये मेरा एक सर्किट है, ये मैंने एक वेरिएबल कैपेसिटर लगा रखा है, सिंपल सर्किट बना रहा हूँ। ठीक है बेटा, यहां से मैं अपना इनपुट दे रहा था, ये मेरा लोड रेजिस्टेंस लगा लो आउटपुट लेने के लिए। ठीक है, ये सिंपल सर्किट था, ये मेरा आरएल हो गया। इस केस में क्या था, अगर मैंने इनपुट वोल्टेज 2 दे दी तो उसी के हिसाब से वेरिएबल कैपेसिटर काम करेगा, हम इनपुट वोल्टेज को वेरी नहीं कर सकते। लेकिन जब मैंने इस सर्किट को सेम बनाया और मैंने अब क्या किया, सप्लाई की जगह सप्लाई है, लोड रेजिस्टेंस की जगह लोड रेजिस्टेंस है, हमने क्या किया, हमने जो हमारा वेरिएबल कैपेसिटर था उसको अब चेंज कर दिया किसके साथ, वेक्टर डायोड के साथ। ठीक है, जब हमने इसको चेंज कर दिया वेक्टर डायोड के साथ तो क्या हुआ, देखो जैसे हमने इसको वेक्टर डायोड के साथ चेंज कर दिया तो अब क्या होता है, अब हम इसके लिए जो हमारा जो यहाँ पे वेक्टर डायोड है इससे हम लोग इस वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि डायोड की खुद की भी एक वोल्टेज होती है बेटा, हमने कल न्यूमेरिकल भी ये थे ना, अगर मान लो इनपुट है 10 वोल्ट और डायोड की खुद की वोल्टेज है 2, तो सर्किट के अंदर कितनी वोल्टेज फ्लो करती थी, 8। तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल उसको चेंज कर सकते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई वी रिप्लेस अ वेरिएबल कैपेसिटर विद अ डायोड। ठीक है, अच्छा अब वेक्टर डायोड को और भी तरीके से डिनोट करते हैं किसी बुक में, इसका एक सिंबल तो मैंने आपको बता ही दिया, एक सिंबल तो इसका, दिस इज द फर्स्ट सिंबल बेटा। ठीक है, किसी किसी बुक में इसको ऐसे भी करते हैं, किसी किसी बुक में इसको आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी मिल जाएगी, सेम है, बस बीच में क्या हो जाएगा, एरो शोइंग द वेरिएबल, और या फिर आपको सिंपल कभी कभी ऐसे भी मिल जाएगा विद द सेम सिंबल ऑफ अ कैपेसिटर पैरेलल टू लाइन। ठीक है बेटा, तो ऑल दीज आर सिंबल ऑफ वेक्टर डायोड, हम लोग जो बेसिकली यूज करते हैं कौन सा करते हैं, दिस वन, मैक्सिमम आपको यही मिलेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, अब बोलता है ये वेक्टर डायोड जो होती है ना, अगर हम इसकी बनती कैसे, तो देखो हमने क्या किया, हमने एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया। ठीक है, उनको एक साथ स्विच टुगेदर कर दिया, तो जो एन टाइप लेयर होती है वो अटैच कर देते हैं हम लोग एक मेसा टेबल के साथ। ठीक है, अब वो मेसा टेबल क्या होता है, वो गोल्ड प्लेटेड मोलिबेंडम एलिमेंट्स होता है जो कि एन टाइप लेयर के साथ हम लोग उसको ज्वाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कैथोड टर्मिनल। जो पी टाइप लेयर होती है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं एक दूसरी गोल्ड प्लेटेड मोलिबेंडम के साथ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ गोल्ड वायर। ठीक है, सिर्फ कुछ पोर्शन को छोड़ के जो मोलिबेंडम होता है वो स्टड हो जाता है, जो एंटायर अलाइनमेंट होता है उसको हम लोग सेरेमिक लेयर से कंबाइन कर देते हैं। तो जो हमारा पी और एन टाइप जो लेयर होती है वेक्टर डायोड की, वो मेड अप होती है किससे, सिलिकॉन से। तो अब वो उसके एप्लीकेशन जो होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कहाँ यूज कर रहे हैं। तो लो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए सिलिकॉन यूज किया जाता है और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए गैलियम यूज किया जाता है।
तो अब जो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर की जो लेयर हमारी बनेगी वो यूनिफॉर्मली डॉप्ड होती है किसके साथ, जो भी इम्प्योरिटीज वहां प्रेजेंट होंगी टू इम्प्रूव द कंडक्टिविटी। लेकिन वेक्टर डायोड के केस में जो कंसेंट्रेशन होती है इम्प्योरिटीज की वो पीएन जंक्शन के बहुत कम होती है, इसलिए उनको इंक्रीज करने के लिए हमें लेयर को दूसरी साइड मूव कराना पड़ता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज रिवर्स बायस के कारण उनकी जो वो पीएन जंक्शन डायोड के पास क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने कैपेसिटर लिया, अब कैपेसिटर के दो कंडक्टिंग सरफेस होते हैं ना, ये कैपेसिटर होता है इसके दो कंडक्टिंग सरफेस होते हैं बेटा, दिस इज आवर पॉजिटिव एंड दिस इज आवर नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे दो कनेक्टिंग सरफेस होते हैं यहाँ पे, हमने क्या किया और दोनों के बीच में क्या होता है, तो पता है ना बेटा यहाँ पे क्या होता है, नॉन डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, करंट इसके अंदर पास नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखो जैसे हमने हमारे जो सरफेस था उसको कनेक्ट किया पॉजिटिव वोल्टेज के साथ और दूसरे को कनेक्ट करते नेगेटिव वोल्टेज के साथ, ये टर्मिनल हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव के साथ, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव के साथ। तो जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर थे वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं सरफेस के ऊपर, यहाँ सारे क्या आ जाएंगे बेटा, पॉजिटिव चार्ज कैरियर, और यहाँ क्या आ जाएंगे सारे नेगेटिव चार्ज कैरियर। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ये चार्ज कैरियर वहां प्रेजेंट हो गए तो जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर और नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गए एक दूसरे के ऊपर, तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज एक्यूमुलेट होता है कैपेसिटेंस के ऊपर वो क्या करता है, वो जो दो सरफेस हैं उनके बीच में जो गैप है उसको रिड्यूस करता है। क्यों रिड्यूस करता है, क्योंकि वहां पे बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है। क्यों आती है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो जैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे आती है तो जो वो क्या करती है, इसको जो गैप होता है उसको क्या रिड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वहां पे जो चार्ज पार्टिकल है वो सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो सके। और जितने ज्यादा चार्ज पार्टिकल इस सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट होंगे, जो ये हमारा सेमीकंडक्टर था पी और ये एन, जितने ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे उतना ज्यादा हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ज्यादा हमें मिलेगी। ठीक है, अब इसका उल्टा भी हो सकता है बेटा, जैसे हम इन दोनों सरफेस को अलग अलग लेके जाते हैं, अब क्या कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस था ये हमने बढ़ा दिया, पॉजिटिव, अब हमने सरफेस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जब ऐसे करेंगे तो उस केस में क्या होगा, जो कैपेसिटेंस वो डिक्रीज कर जाएगा, तो जो वेरिएबल कैपेसिटर था उसका जो मैकेनिकल अरेंजमेंट है वो क्या अलाउ करता है कि हम इसके गैप को चेंज करें, ताकि हमारे जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो चेंज हो जाए। ठीक है, अब हमें ये पता है पीएन जंक्शन डायोड से जो पी टाइप लेयर थी डायोड की वो पॉजिटिव थी, एन टाइप क्या थी, नेगेटिव थी। तो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के पास जो दो लेयर बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिफ्यूज करते हैं और एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लीशन भी। ठीक है, ये सब तो हमने पढ़ रखा है पहले। अच्छा, नेक्स्ट आता है, अब अगर हम इसे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें वेक्टर डायोड की तो कैसे होगा, तो बेटा जो सब कैरेक्टरिस्टिक बनता है वेक्टर डायोड का वो कुछ इस टाइप से बनता है, एक तरफ हम लोग लेते हैं हमारा कैपेसिटेंस और ये कब काम करता है बेटा, जब रिवर्स बायस होता है। तो ये हमारा ये ग्राफ यहाँ पे, ठीक है, अब ये बनता कैसे है, तो देखो जो हमारा जंक्शन कैपेसिटेंस होता है वेक्टर डायोड का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिवर्स बार की, रिवर्स बायस वोल्टेज। अब उसके कारण क्या होगा, जो डिफरेंस होता है इम्प्योरिटीज के अंदर, जो हमने पी और एन टाइप में जो इम्प्योरिटीज ऐड की थी, तो उसके कारण क्या होगा, जो कैपेसिटेंस होता है वेक्टर डायोड का वो ज्यादा होता है किससे, नॉर्मल डायोड के साथ। तो जो उसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड होता है जंक्शन कैपेसिटेंस का वेक्टर डायोड का, उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कब कैलकुलेट करते हैं, जब जीरो बायसिंग थी फॉरवर्ड बायस वोल्टेज पे और एक्चुअल रिवर्स वोल्टेज पे, दोनों हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। अब वहां पे हम एक फॉर्मूला लेते हैं, सी जे इज इक्वल टू सी नोड वन प्लस वी आर डिवाइडेड बाय वी बी होल की पावर माइनस एन। यहां से बेटा हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे एन क्या है, एन यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और वो वेरी करता है किसके हिसाब से, पी एन एन टाइप लेयर कितनी डोपिंग हुई है उसके हिसाब से, इसकी वैल्यू होती है
0.5 से लेके 0.5 से लेके 0.33 के बीच, ठीक है। तो जो वैल्यू होती है रिवर्स वोल्टेज की वो क्या होती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है। तो जिसके कारण जिससे ऊपर जो हमारा कैपेसिटेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा डिप्लीशन रीजन में, और उससे कम होगा तो कम हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आते हैं इसकी एप्लीकेशन। तो जो बेयरिंग कैपेसिटेंस बोल लो या डायोड बोल लो, तो इसका जो सबसे पहले एप्लीकेशन बताई दी इसको यूज क्यों करते थे, क्योंकि इसकी हेल्प से हम लोग वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो वेक्टर डायोड होते सबसे ज्यादा यूज होते हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, हम एफएम नहीं होता हमारा, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज होता है, ठीक है। ट्यूनिंग सर्किट्स गिटार वगैरह नहीं होते, उन सब में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है, ठीक है। और आउटपुट मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी में यूज होता है, ठीक है। अब उसकी बात करें जैसे रेडियोज हो गया, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर हो गया, बैंड पास फिल्टर हो गया, हार्मोनिक जनरेटर हो गए, ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, इन सब जगह हम इसको यूज करते हैं वेक्टर डायोड, ठीक है। अगर इसके की फीचर की बात करें तो इसके सबसे बड़ा की फीचर क्या है बेटा, कि ये जो होता है वेरिएबल कैपेसिटर को रिप्लेस करके बनाया गया है, मतलब रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है, ताकि हम वोल्टेज को वहीं चेंज कर सकें। पहले क्या होता था, हमने एक कैपेसिटर लगाया था वेरिएबल कैपेसिटर, उसको एक वैल्यू देते थे, फिर दूसरी वैल्यू देने के लिए फिर हम इनपुट चेंज करना पड़ता था। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें इसे बनाया, ताकि बार बार हमें वो चीज ना करनी पड़े और वहीं से हमारा काम हो जाए। तो वहीं से इनपुट को चेंज करते थे और वहीं से उसको शॉर्ट आउट करके निकाल देते, ठीक है बेटा। अच्छा नेक्स्ट देखो, जो नेक्स्ट है हमारा इसमें नेक्स्ट डायोड है हमारी इसमें वेक्टर के बाद हमें पढ़ना है स्कोट की डायोड। अब स्कोट की हमने पढ़ा भी था, अगर केमिस्ट्री याद होगी तो हमें स्कोट की इफेक्ट आता था बेटा, याद है हमने वहां पढ़ा था ना स्पॉट की इफेक्ट क्या होता था, वो थोड़ा बहुत याद है। स्पॉट की डायोड कब होता था, जब हमने वहां पढ़ा था कि जब भी वो अपनी प्लेस एटम्स जो होते हैं वो अपनी प्लेस को छोड़ देते हैं तो वहां पे एक स्पॉट की डायोड आता था, ठीक है, स्पॉट की इफेक्ट आता था। देखो अब स्पॉट की डायोड क्या होता है, अब हम पढ़ रहे हैं स्पॉट की डायोड, ठीक है, स्पॉट की। अब देखो उसमें क्या होता था, अब जो हमारी स्पॉट की डायोड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग स्पॉट की बैरियर डायोड या कैरियर डायोड भी कहा जाता है, ठीक है। अब क्यों कहा जाता है, देखो स्पॉट की बैरियर डायोड इसको, क्योंकि ये जो मेनली कहाँ यूज होते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं रेक्टिफायर में, जहाँ पे हमारा सिग्नल जो होता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, एक्सीडिंग 300 मेगाहर्ट्ज, वहां पे इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म जंक्शन रीजन हमें प्रोवाइड करता है पीएन डायोड के लिए, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो जो स्पॉट की डायोड होता है ना वो लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होती है उसकी वोल्टेज ड्रॉप कितनी होती है, और उसका स्विचिंग एक्शन बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत जल्दी काम करता है, इट इज अ फास्ट स्विचिंग एक्शन डिवाइस। क्यों, क्योंकि उसकी वोल्टेज ड्रॉप जो होती है वो बहुत कम होती है, कितनी होती है 0.15 to 0.4, ठीक है बेटा। अब क्या होता है, जैसे कोई रेगुलर डायोड है और एक स्पॉट की डायोड है, जिसे जब कंडक्ट कराते हैं करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो एक सफिशिएंट वोल्टेज हमें अप्लाई करनी पड़ती है। अब जो कि नॉर्मल डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है, तो उसमें टिपिकल वोल्टेज हमारी कितनी होती है, 600 से 700 मिली वोल्ट होती है, दैट मींस 0.6 से लेके 0.75, ये थी हमारी, दिस इज फॉर आर स्पॉट की डायोड। लेकिन अगर रेगुलर या सिंपल वोल्टेज की बात करें तो उसके लिए होता है 0.6 से लेके 0.4
7 5 तक, ठीक है। तो अब देखो ये जो हमारी फॉरवर्ड वोल्टेज है वो कितनी लोअर होगी ना इसके केस में, स्कॉटकी डायोड केस में, इसलिए ये उतनी ज्यादा फास्ट स्विचिंग डिवाइस बनाए टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ डायोड। तो जो जंक्शन हमारी स्कॉटकी डायोड में फॉर्म होती है मेटल की, वो किस से यूज होती है? गोल्ड, टंगस्टन, क्रोमियम, प्लैटिनम या मोलिब्डेनम। अब जो हमारा एन टाइप और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, अच्छा तो जो एनोड पी टाइप हमारे जो सेमीकंडक्टर होते हैं बेटा, उसमें क्या होता है, जैसे हमारा एनोड जो होता है क्या होती है, मेटल साइड होती है, और जो कैथोड होती है वो क्या होती है, सेमीकंडक्टर साइड, ध्यान रखना, ठीक है। एक तरफ हमने मेटल लिया, एक तरफ हमने सेमीकंडक्टर लिया, तो जो मेटल साइड होती है वो कौन सी होगी हमारी, एनोड, और जो सेमीकंडक्टर साइड ली वो हमारी कौन सी होगी, कैथोड, ठीक है। अच्छा अब आता है इसका सिंबल, स्कॉटकी डायोड का सिंबल क्या होता है, तो दिस इज द सिंबल ऑफ आवर स्कॉटकी डायोड, दिस इज द सिंबल ऑफ आवर स्कॉटकी डायोड, दिस आर एनोड साइड, दिस इज आवर कैथोड साइड, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज, ठीक है बेटा। अब हम आज की बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो उसमें क्या होता है, एक एंड पे तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे जंक्शन बनती है मेटल और इसमें सेमीकंडक्टर के बीच में, उसको हम लोग यूनिलेटरल जंक्शन कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा एंड होता है उसमें हम लोग मेटल और हैवी डोपिंग करा देते हैं सेमीकंडक्टर की, जिसे हम लोग कहते हैं बाइलेटरल, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या होता है, कोई भी पोटेंशियल वहां प्रेजेंट नहीं होता, ना कोई रेक्टिफाइंग होती है, तो जो हमारी डोपिंग होती है सेमीकंडक्टर के अंदर वो इंक्रीज कर जाती है, और जो डिप्लीशन लेजर है वो क्या होगा, डिक्रीज करता हुआ चला जाता है। तो जो हमारी विथ होती है जो डिक्रीज हुई एक सर्टन लेवल पे, तो जो चार्ज कैरियर थे वो ट्यूनल इजिली डिप्लीशन रीजन को पास कर जाते हैं, और जो डोपिंग अगर हाई होती है तो जंक्शन जो होती है वो रेक्टिफायर की तरह काम करती है, तो वो क्या बताए, ओमिक कॉन्टेक्ट बन जाता है, तो जो डायोड होता है उसको हम लोग ओमिक कॉन्टेक्ट के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो जो हमारी स्कॉटकी डायोड होती है वो अनबायस कंडीशन होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सेमीकंडक्टर साइड में उनकी क्या एनर्जी होती है, लो, लेकिन जैसे उनको कंपेयर करते हैं मेटल के साथ तो उनकी ज्यादा होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो फ्लो नहीं कर पाते जंक्शन बैरियर के कारण, इसे हम लोग कहते हैं स्कॉटकी बैरियर। अब जो वो थे उनकी जो मूवमेंट थी जो डिप्लीशन रीजन को वो क्रॉस कर रहे थे, वो मूवमेंट अब उनकी रुक गई, जो मूवमेंट उनकी रुक जाती है उसे हम लोग कह देते हैं स्कॉटकी बैरियर, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखने की बेटा, क्या कि जैसे हमारी डायोड अनबायस्ड हुई थी तो जो इलेक्ट्रॉन थे हमारे एन साइड के उनकी एनर्जी क्या थी, लो थी इलेक्ट्रॉन की, किससे, मेटल से, तो वो सरमाउंट नहीं हो पाते जंक्शन बैरियर के ऊपर, ठीक है। तो जैसे हमारी डायोड फॉरवर्ड बायस होगी तो कंडक्शन जो इलेक्ट्रॉन की होगी एन साइड से, तो जो हमारी कंडक्शन होगी एन साइड से पी साइड की तरफ, तो जैसे मेटल में घुसेंगे तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे प्लंग हो जाते हैं मेटल के अंदर, ठीक है, विद अ लार्ज एनर्जी, तो उनको हम लोग कहते हैं हॉट कैरियर, ठीक है। और इसी कारण जो उसको होता है हॉट कैरियर डायोड भी कहा जाता है। अब देखो एक चीज और, इसमें जो इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं मेटल के अंदर विद हॉट एनर्जी, उसे हम लोग हॉट एनर्जी कैरियर कह दिया हमने, तो उसमें क्या होता है, जो ये हमारा डायोड होता है इसको हम लोग दो पार्ट में जो डिवाइड करते थे, तो ये हमारा होता था बेटा पी टाइप और दिस इज आर एन टाइप, इसमें हमारे होते हैं सारे सारे मेटल और इसमें होते थे हमारे बेटा सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो अगर हम एक बात करें स्कॉटकी डायोड की, तो हम लोग उसको अगर उसके अगर उस सर्किट को हम लोग चेंज करें या इजी वे में समझना चाहें तो इसका सर्किट कैसे बन सकता है स्कॉटकी डायोड का, स्कॉटकी डायोड क्या होती है, जब हमने एक सिंपल डायोड, स्कॉटकी डायोड क्या होगी बेटा, जब हमने एक सिंपल डायोड ली, एक सिंपल डायोड ली, साथ में क्या लगा दिया, एक कैपेसिटर, इसमें पैरेलल, तो इसे हम लोग कहते हैं स्कॉटकी डायोड, ठीक है। अब स्कॉटकी डायोड लाने की जरूरत क्या पड़ी, तो इसमें ना नॉर्मल डायोड से यूनिक फीचर होते हैं, क्या, पहला ये एक यूनिपोलर डिवाइस होती है, उसका मतलब क्या हुआ कि करंट फ्लो नहीं कर रहा मेटल से
एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ। उसका मतलब क्या, जो मैग्नेटिक कैरियर थे वो रिवर्स डायरेक्शन में एब्सेंट हो गए, तो जो पीएन जंक्शन डायोड है वो क्या होगी, बाइपोलर डिवाइस होगी। दूसरा, नो स्टोरेज चार्ज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ होल्स इन द मेटल, कोई स्टोर चार्ज नहीं हो रहा, जिसके कारण क्या होगा, जो स्पॉट की डायोड था वो क्विकली स्विच हो जाता है अदर डायोड से पहले, और नॉइज बहुत कम होती है। तो मेन जो मेन बेनिफिट या मेन एप्लीकेशन या एडवांटेज बोलते हैं बेटा स्पॉट की डायोड, वो क्या है, इट इज अ फास्ट स्विचिंग डिवाइस, दैट्स व्हाई इट इज मोस्टली यूज्ड। नेक्स्ट देखो, लो बैरियर पोटेंशियल होता है इसका, अभी बता दिया था मैंने, जो नॉर्मल पेन जंक्शन होता है उसका कितना होता है, 0.6 से लेके समथिंग 0.25 तक होता था, और इसका कितना होता है, 0.2 से लेके 0.25 के बीच। ठीक है, अब आती है इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मैं इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ये इसकी आती है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। This is the VI characteristic, ठीक है? अब जो पहले था ना वही इसमें होता है, फर्क क्या है इसमें देखो, अब जो ये वाली है ना, ये बीच वाली, दिस इज आर स्पॉट की डायोड, और जो ये है दिस इज आर पीएन जंक्शन डायोड, दिस आर स्पॉट की डायोड। अगर हम यहां बात करते हैं तो दिस इज आर स्पॉट की डायोड और दिस इज आर पीएन जंक्शन डायोड। अब देखो फर्क देखो बेटा, पीएन जंक्शन डायोड यहाँ आ रहा था, स्पॉट डायोड उससे पहले आ रहा है, रिएक्शन क्या हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है। यहाँ पे भी देखो, पीएन जंक्शन डायोड यहाँ था, स्पॉट डायोड यहाँ, तो रिएक्शन क्या हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं कि इट इज अ स्विचिंग डिवाइस, फास्ट स्विचिंग डिवाइस। ठीक है, अच्छा हम वो कहते हैं जो हमारा करंट, जो हमारी करंट कंडीशन होती है डायोड के अंदर, वो कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक चार्ज कैरियर से। तो जो टोटल करंट होगा हमारा आई टी किसके बराबर हो जाएगा, आई डिफ्यूजन करंट प्लस आई टनलिंग करंट प्लस आई थर्मो आई थर्मोनिक एमिशन। ठीक है, तो अब जो हमारा करंट हुआ यहाँ पे वो तीन पार्ट में डिफाइंड है। पहला वो कह रहे जो टोटल करंट होगा ना सेमीकंडक्टर, वो कितना होगा, डिफ्यूजन प्लस टनलिंग प्लस थर्मोनिक एमिशन का जो टोटल करंट उनको मिला के। ठीक है, अब बात करते हैं डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन करंट कैसे निकालते हैं, डीएन बाई डी एक्स, जितना चेंज हो रहा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे डिफ्यूजन करंट, कैसे निकालेंगे, डीएन बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, जितने टोटल चार्ज पार्टिकल थे, डीएन इनटू में जो चार्ज फ्लो कर रहा है इनटू में क्यू। ठीक है, अब डीएन यहाँ पे क्या हो गया, डिफ्यूजन कांस्टेंट, क्यू क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रॉनों का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹¹। टीएन हो गया टनलिंग करंट, और थर्मोनिक एमिशन क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन जो थर्मल एनर्जी के कारण बाहर निकलते हैं, जब वो करंट प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं थर्मोनिक एमिशन। अब इसे कुछ एडवांटेजेस होती है बेटा, पहले एडवांटेज क्या होती है स्पॉट की डायोड की, ये फास्ट रिकवरी टाइम होता है, इसलिए फास्ट स्विचिंग डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, ये बहुत कम एनर्जी स्टोर करता है, जिसके कारण जो डायोड होता है उसकी स्विचिंग एप्लीकेशन बहुत फास्ट होती है। दूसरा, टर्न ऑन वोल्टेज बहुत कम होती है, लोन जंक्शन कैपेसिटेंस होता है, और वोल्टेज ड्रॉप भी कम होती है। डिसएडवांटेज होता है, रिवर्स लीकेज करंट बनता है। ठीक है, लेकिन और रिवर्स वोल्टेज रेटिंग भी वहां पे। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ स्पॉट की डायोड, पहली इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ स्विचिंग मोड पावर सप्लाई के लिए, दूसरा रिवर्स करंट प्रोटेक्शन के लिए, थर्ड डिस्चार्ज प्रोटेक्शन के लिए, फोर्थ वोल्टेज क्लैंपिंग एप्लीकेशन के लिए भी यूज करते हैं, नेक्स्ट आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी मिक्सर के लिए यूज करते हैं, और सोलर सेल एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे स्पॉट की डायोड। अब हमने चार डायोड पढ़ ली हमारी, पहली डायोड हमने पढ़ी थी, हमने टाइप्स ऑफ डायोड में पहले पढ़ी हमने जेनर डायोड,
फिर हमने पढ़ी टनल डायोड, फिर हमने पढ़ी वेक्टर डायोड, और फिर हमने पढ़ी स्कोटकी डायोड। ठीक है, अब दो डायोड और हमारी बच गई हैं, एक बच गई हमारी एलईडी। एलईडी क्या होती है बेटा? लाइट एमिटिंग डायोड। और एक हमारी बच गई है फोटो डायोड। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली, ये हमने आज पढ़ ली, ये हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ डायोड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। अच्छा, अब एक चीज और देखो, यहाँ पे अगर हम स्कोटकी डायोड की बात करेंगे तो जो बैरियर डायोड होता है उसकी लो वोल्टेज सर्किट था ना, तो जो फॉरवर्ड ड्रॉप वोल्टेज थी वो कम होते किससे? रेक्टिफायर से, जिस कारण स्कोटकी डायोड में भी जो वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है बेटा, अब इसके ऊपर ना एक चीज और देखना, कभी कभी ना हमसे ये पूछ लेते हैं कि जब पेपर में अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो डायरेक्ट ऐसे पूछ लेंगे कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड विद देयर वर्किंग। अब वर्किंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा? वर्किंग का मतलब यहाँ पे होता है कि आपने सर्किट देख के, सर्किट बना के खाली हमें ये एक्सप्लेन करना होता है कि ये जो डायोड है किस पर्पस के लिए बनाई गई है। क्योंकि देखो अब ये सारे क्या है, टाइप्स ऑफ डायोड ही तो है। वो तो हम एक सिंपल डायोड की, हमें पीएन जंक्शन की हमने पूरी वर्किंग पढ़ ली कि पी से एन कैसे डिफ्यूजन होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन और रिकॉम्बिनेशन होता है। अब वो क्या पूछता है, जब वो टाइप्स ऑफ डायोड की बात आती है तो हमसे ये पूछना चाह रहा होता है कि ये जो स्पेसिफिक डायोड है इसको बनाने का रीजन क्या था। जैसे अगर स्कोटकी डायोड का एग्जांपल है तो स्कोटकी डायोड क्यों बनाया गया? क्योंकि ये एक फास्ट स्विचिंग डिवाइस था, तो जहां पे फास्ट स्विचिंग चाहिए होती है वहां पे हम लोग स्कोटकी डायोड यूज करेंगे। सिमिलरली वेक्टर डायोड को क्यों बनाया गया? जहां पे हमें वेरिएबल कैपेसिटर को रिप्लेस करना था उस एप्लीकेशन के लिए बनाया गया। जैनर क्यों बनाया गया? जहां पे हमें रिवर्स बायस में हाई करंट चाहिए था। ठीक है, तो वर्किंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है? मेन पर्पस जिसके लिए इसको बिल्टअप किया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलईडी और फोटो डायोड। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, और अपने अपने बेटा अटेंडेंस मार्क कर देना आज की। ठीक है, ओके सर।